हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं उम्मेद भवन पैलेस, जो कि राजस्थान के जोधपुर ज़िले में है। और ये पैलेस बहुत ही भव्य है, बहुत ही खूबसूरत है। आप इस वीडियो में लगातार बने रहें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। और दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में, मैंने पिछली वीडियो से एक क्विज स्टार्ट किया है जिसमें आप सभी से मैं क्वेश्चन पुटअप करता हूँ। उस क्वेश्चन का जो भी सही आंसर देता है उनके कमेंट को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करता हूँ, और जो भी प्राइज रहता है उसका क्लिप भी मैं मेंशन करता हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को कभी भी वीडियो के अंदर कोई क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। आप क्वेश्चन को ध्यान से सुने और उसका आंसर जो सबसे पहले देता है वो विनर कहलाता है। तो दोस्तों, आप लगातार हमारे साथ बने रहें, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, इसका नाम महाराजा उम्मेद सिंह के जो पौत्र हैं उन्होंने दिया था, जो वर्तमान मालिक भी हैं इस जगह के। और इस पैलेस में 347 कमरे हैं, और इस पैलेस को चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता था जब इसका निर्माण कार्य चल रहा था। और 1943 में इस पैलेस का जो निर्माण कार्य समाप्त हो गया था, और जो इस पैलेस के आर्किटेक्ट थे हेनरी वान लांचेस्टर थे, जो बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट माने जाते थे उस समय के, उनकी देखरेख में इस पैलेस को बनवाया गया था। और बहुत ही खूबसूरत ढंग से उन्होंने इस पैलेस का डिज़ाइन किया, बहुत ही शानदार ये पैलेस है। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की शादियां यहाँ पर होती रहती हैं, क्योंकि आजकल हॉलीवुड में जो डेस्टिनेशन वेडिंग का बहुत क्रेज है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज डेस्टिनेशन वेडिंग की तरफ रुख कर रहे हैं। अभी हाल ही में आप विराट कोहली को देख लें, प्रियंका चोपड़ा को देख लें, या बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, रणवीर सिंह को देख लें, सभी ने डेस्टिनेशन वेडिंग की हैं। और इस पैलेस में भी प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी हुई थी, और उन्होंने बहुत भारी रकम से इस पैलेस को बुक किया था। तकरीबन 3 करोड़ रुपए पर डे का खर्चा आता था, जो एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती है, लेकिन बड़े लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, इस पैलेस को 3 भागों में बांटा गया है। एक शाही पैलेस है, जहाँ पर जो शाही लोग हैं, जो राजा हैं यहाँ के, वो लोग रहते हैं, उनकी फैमिली रहती है। और दूसरा हिस्सा एक ताज होटल है, जो मुंबई का ताज होटल है, उन्हीं की फ्रेंचाइजी है। और तीसरा हिस्सा एक ये म्यूजियम है, जो मैं आज आपको एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है। वीडियो में आप लगातार बने रहें, आपको वीडियो में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। और मेरा तो एक हर वीडियो में खास रहता है कि आपको नया ही कुछ दिखाया जाए। मैं कभी भी किसी भी वीडियो को रिपीट नहीं करता हूँ, हम आपको हमेशा नए पैलेस पर लेकर जाते हैं। और दोस्तों, ये उस समय के जो राजा यहाँ के हुआ करते थे, उनके सारे सामान रखे हुए हैं, जैसे पोलो ज़्यादातर पुराने समय के जो राजा हुआ करते थे पोलो खेला करते थे, और उन सबसे संबंधित चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। दोस्तों, ये पैलेस बहुत ही यंग है, यहाँ पर बहुत ऐसे लगेगा, जब भी आप देखेंगे इस जगह को तो आपको ऐसे लगेगा ये हाल ही में अभी बनाया हुआ है, जबकि 1943 में ये बन के तैयार हो गया था। और दोस्तों, ये जो निजी पैलेस हैं उनकी, अगर बड़े निजी पैलेसों की बात की जाए तो छठवें स्थान पे इसका नाम आता है दुनिया में। जो जितने भी निजी पैलेस हैं उनमें ये सबसे बड़े पैलेस की बात की जाए तो छठवें नंबर पर आता है। और दोस्तों, इस पैलेस में एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आप किसी भी टाइम रूम बुक कर सकते हैं। यहाँ पर रूम का जो टाइमिंग होता है, जैसे कभी और होटलों में आप जाते हैं तो चेक इन चेकआउट का कुछ टाइम रहता है, लेकिन इसमें नाइट के हिसाब से आपको बुकिंग करना पड़ता है। आपको एक नाइट के लिए 43,000 खर्च करने पड़ सकते हैं, और अधिकतम 2.5 लाख तक आपको यहाँ पर खर्चा करना पड़ सकता है। और बहुत ही शानदार पैलेस है, आप कभी भी जोधपुर आते हैं तो इस जगह पर ज़रूर आइएगा, बहुत मज़ा आपको यहाँ पर आएगा। और इस पैलेस की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ से जो जोधपुर शहर के बहुत ही शानदार नज़ारे मिलते हैं, और जोधपुर की जो एक ख़ास जगह है जिसे मेहरानगढ़ फोर्ट कहते हैं, वो भी आप यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं, उसकी जो व्यू है बहुत ही शानदार आते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ आकर काफ़ी इन्जॉय किया, मैंने बहुत सारी नई चीज़ों को देखा, और उस समय के जो राजा हुआ करते थे उनकी शान शौकत को देखा। आप सभी ने वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आप सभी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में एक क्विज स्टार्ट किए थे जिसमें मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछता था। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी आप सभी से एक मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा
क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही खास होने वाला है और बहुत ही सावधानी पूर्वक आंसर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन होने वाला है। दोस्तों इस पैलेस का नाम जब ये बन रहा था तो इसको चित्तर पैलेस नाम दिया गया था। तो दोस्तों वो चित्तर पैलेस नाम क्यों दिया गया था वो आप हमें जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, क्योंकि दोस्तों जो भी सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देगा उनको एक सरप्राइज़ मिलने वाला है जो कि अगली वीडियो में मैं मेंशन करूंगा। और पिछली वीडियो का जो प्राइज विनर हैं नरेश एक्सपेरिमेंट हैं, उन्होंने सबसे पहले सही आंसर दिया था। एक वाद्य यंत्र बजा रहे थे एक व्यक्ति जो कि राजस्थान में बहुत ही फेमस है, जिसका नाम रावण हत्ता है, उन्होंने उसका सही जवाब दिया था और वो विनर हुए। लास्ट में उनका नाम, उनका चैनल का नेम मैंने मेंशन किया हुआ है और उनका प्राइज़ भी मेंशन किया है। दोस्तों आप भी हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया प्राइज जीत सकते हैं। आप हमारी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, हमारी वीडियो में कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन सुनने को मिल सकता है, क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से जल्दी दीजिए, आपको भी प्राइज़ मिल सकता है, आप भी विनर हो सकते हैं। और दोस्तों ये एक हमारी एक छोटी सी पहल है, हमें अच्छा लगता है आप सभी से बातचीत करना, आप सभी को नई नई जगह पर घुमाना, क्योंकि दोस्तों मैं तो घूमता ही रहता हूँ, मुझे घूमना बहुत पसंद है और मेरा घूमने के पीछे एक किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी वजह से ही मैं इतना सारा ट्रैवल कर पाता हूँ, उन्हीं ने हमें इतनी प्रेरणा दी है घूमने की, तो मैं उन्हीं की वजह से घूमता रहता हूँ। और वीडियो पहले मैं वीडियो नहीं बनाता था, वीडियो तो अभी कुछ दिन पहले बनाना स्टार्ट किया है। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं बहुत जल्द आपको किसी नए वीडियो में। ये है विनर नरेश एक्सपेरिमेंट, उनका ये कमेंट पिन है और ये है उनका प्राइज़। धन्यवाद दोस्तों।